जय हिंद, मैं हूं गोपाल और मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर में आपको क्या करना है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लागत लगने वाली, कितना खर्चा लगने वाला, वो अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है कि प्लॉट का जो एरिया है उसको आपको क्या करना है पर स्क्वायर फीट की रेट से गुणा कर देना है, तो उससे आपकी लागत निकल जाती है। ठीक है, तो रेट जो होती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन किस किस टाइप का मटेरियल अपन यूज़ करने वाला है। ठीक है ना, तो मटेरियल अगर आपको एवरेज क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करोगे तो उसके अंदर में 1000 वाली रेट लग जाएगी, अगर आप गुड क्वालिटी का ठीक ठाक अगर आपको लगाया ना तो 1350 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट लग जाएगी, अगर बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने वाले हैं तो उसका कौन सा रहेगा 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट लग जाएगी। ठीक है, मेरा जैसे कि अगर 1000 स्क्वायर फीट कोई एरिया है, ठीक है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, रेट में अगर ठीक ठाक मेरी रेट लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1350 रेट लगा देता हूँ, उससे क्या आ जाएगा मेरा 1350000 उसका क्या आएगी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।